जी अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। माय यूट्यूब फैमिली, हो आर यू, होप सो यू आर डूइंग वेल। टुडे इज संडे एंड अभी अभी उठे हैं, खाना वगैरह खा के, बीफ पुलाव बनाया था उस्मान ने, वो खा के और अब जाने लगे हैं काम पे। आज की ये है ड्रेसिंग, शॉर्ट्स और साथ में ये न्यू ट्रोजर और शर्ट जी है मैंने पाकिस्तान से ही मंगवाई थी, जो मैं स्टूडेंट आया था उसके हाथ। और ये हमारी साइकिल भी आ चुकी है, काम पर भी चलते हैं और बाकी फिर आज का आपको व्लॉग भी दिखाते हैं। आज हमारा क्या सीन है, क्या होने वाला, क्या नहीं, आज थोड़ी सी अपनी ट्रेन शेयर करेंगे और एंड पे जाकर कहीं आपकी कोई क्यूरीज का भी आंसर कर देंगे। सो अभी चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल काम पे और आज की सामान आता है, फिर उसे पिक्चर्स वगैरह बना के, वीडियो बनवा के, तो भी मैं इसके साथ जो है वो अटैच कर दूंगा, फिर अभी आपको देखते हैं कि आज हमारी क्या ड्रेसिंग हुई है। तो चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अभी काम पे। उस्मान भाई भी आ चुके हैं, आज इन्होंने बनाया था बीफ पुलाव, वो डिस्ट्रीब्यूट भी यही करते हैं, ठीक है। और बता दो उस्मान भाई, दो प्लेट होते हैं, मैं और ये बैठ खा रहे होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर ने किया चावल, अपने इनकी प्लेट है, मैंने खुद गिने, अपने इनकी प्लेट में थी 10-12 बोटियाँ और मेरी प्लेट इन्होंने डाल के दी सिर्फ 3 बोटियाँ। क्यों उस्मान भाई, ऐसा ही है, ये बंदा ये काम करता है। और मुझे जब मैथ से करूँ फिर कहता है कि जो अपने लिए क्या कहते हैं, जो अपने लिए पसंद करो वही अपने दोस्त के लिए पसंद करते हैं, और अपनी दफ़ा ये देख ले क्या करता है। चलिए अभी चलते हैं काम पे। अच्छा जी गाइस, वहाँ जा खड़े हुए लिदरा, फर्स्ट डिलीवरी हमें पड़ गई थी, फर्स्ट डिलीवरी भी दे के आ रहा हूँ। और ऊपर देखें जी बादल, यहाँ कसम से लिटरली कोई हमें पता नहीं होता कब सूरज आ रहा है, कब बादल हो रहे हैं, कब बारिश आ रही है और कब बारिश के बाद साथ ही स्पीड सूरज आ जाता है। अभी मैं आया ही, अभी इतनी तेज़ धूप थी, ठीक है, और अब बादल आ गए हैं और हल्की हल्की जो है ना अभी कन्या भी आ रही हैं। यार ये ना आओ, अगर नए कपड़े पहने में तस्वीर आ गई जिनके नहीं, ये और अगर बारिश आ गई तो फिर गीले हो जाएंगे, फिर पिक्चर्स नहीं बनेंगे। और अभी मेरा मूड था कि मैं पिक्चर्स वगैरह खींचता, उस्मान मिलता तो उसे खींचवाता पिक्चर वगैरह। बाकी दिस इज़ द सराउंडिंग, ओह माय गॉड, वो अंदर आई थिंक सो क्योंकि जी वैगन खड़ी हुई है, जी वैगन। और अभी चलते हैं जी फिर उधर लिदरा वाले साइड पे ऑर्डर वगैरह करते हैं। ये देखें जी आईडी मारी ऑन है, दो फोन का ये फ़ायदा है, एक पे आईडी, एक पे व्लॉगिंग, ओके करो। अच्छा जी, ये हमारी है जी थर्ड डिलीवरी आज की, आज हम आए थे तकरीबन 2 बजे और अभी टाइम हुआ जाता है 2:45 और ये है हमारी तीसरी डिलीवरी। अच्छा जी रेस्टोरेंट, पता नहीं कोई चाइनीज़ है, आई थिंक सो रेस्टोरेंट है, जैपनीज़ है, पता नहीं, अब जो भी है हमारे खाने वाला नहीं है। एंड ये है ऊपर जी साइप्रस, ग्रीस और एक पता नहीं कहाँ झंडा लगा हुआ है, अब मुझे उसका नहीं पता। अच्छा जी, तो आज का व्लॉग मैं क्यों सोच रहा हूँ कि यार क्यों ना आज का व्लॉग डिलीवरी पे बना दिया जाए, कि कितनी डिलीवरीज होती हैं और उसमें क्या हिसाब किताब होता है और कितना हम अर्न करते हैं, क्या कहते हो उस पर बना दें, नहीं कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ कि डिलीवरी वाला व्लॉग बनना चाहिए कि नहीं। अगर आप लोग कहते हैं कि डिलीवरी का व्लॉग बन जाए तो फिर उस पर बना देंगे, आज हम आपकी कोई और क्यूरीज का आंसर करेंगे, ठीक है। सो जल्दी जाएँ कमेंट सेक्शन में और वहाँ जाकर बताएंगे डिलीवरी का व्लॉग आप लोगों को चाहिए कि नहीं। बाकी यार आज का मौसम, आप लोगों को यार मौसम का पहले ही बता रहा था, कोई हिसाब का नहीं लगता यहाँ पर, ठीक है, रास्ते में आ रहा था, बारिश हो रही है, धूप भी है साथ बारिश भी आ रही है, सुभान अल्लाह, सुभान तेरी कुदरत। यहाँ पे ट्रीज बहुत ही ज़्यादा हैं यार, हर जगह आपको जो है ना दरख्त ही दरख्त नजर आएंगे, ग्रीनरी यहाँ बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और बाकी इसी वजह से माहौल खुशगवार रहता है शायद। और चलते हैं, अभी मैं बहुत जल्दी आ चुका हूँ, इसके भी तकरीबन 10 मिनट पड़े हुए हैं डिलीवरी तैयार होने में, इसलिए मैंने कहा तरह लोग शूट कर लिया जाए और चलते हैं अभी अंदर डिलीवरी देने। काम शाम कर रहे थे, डिलीवरी वगैरह है, तो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने कहा कि उन्होंने आपको सिटी हुंडी गाड़ी दिखाया जाए। तो ये यहाँ पर मेन रोड है, ये एक साथ मोटरवे है छोटी और यहाँ से ये साथ में सिटी हुंडी कॉलेज है, ठीक है, इसकी एक ब्रांच ही है। यहाँ मैं पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता के भरे से मरबों में जगह ले ली हो और सारी ब्रांचें एक ही जगह बना दी हो, ये छोटी छोटी ब्रांचें होती हैं इनकी, यूनिवर्सिटी की भी और कॉलेज की भी, एक इसकी ब्रांच ही है, एक वो आगे भी है और ऐसे यूनिवर्सिटीज़ की भी होती हैं, छोटी छोटी ब्रांचें होती हैं और इन्होंने वक्फे वक्फे बनाई होती है, इसकी भी 2 या 3 ब्रांचें हैं और यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ की भी 3-4 ब्रांचें होती हैं। तो ये है जी इनका सिटी यूनिटी कॉलेज, बाकी इसकी एक आगे ब्रांच भी है। ठीक है, सो अब हो चुके हैं 5 बज चुके हैं और यहाँ उस्मान भाई से हमने थोड़ी सी अपनी फ़ोटोशूट करा ली है, वीडियोस तो नहीं बनाई, बस फ़ोटोशूट कराई है, वो आपको थोड़ी सी यहाँ पे पिक्चर वगैरह लगा दूँगा। ये मकाली रोड पे अपने की है, ये मकाली रोड है, अब चलते हैं घर, 5:30 हो चुके हैं, घर जाते हैं खाना वगैरह खा के तो फिर अपने काम की तरफ आते हैं। सो लेट्स गो।
अच्छा जी, वहाँ से शूट वगैरह करने के बाद, थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह खींचने के बाद, हम लोग वहाँ घर पे खाना खाने चले गए थे। खाना खा के फिर हम काम पे फिर से आ गए थे। तबीयत तो ज़रा डाउन डाउन थी, मूड ज़रा अपसेट था, तो ज़रा व्लॉग मैं शूट नहीं कर सका। तो जैसा भी है थोड़ा छोटा मोटा कबूल करें। उम्मीद करता हूँ आगे लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज मैंने आप किसी को रिकॉर्ड नहीं दिया, बस आज मैंने अपनी थोड़ी सी डेली रूटीन दिखाई थी संडे की। और मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी आप कमेंट सेक्शन में बता दें कि आपको डिलीवरी का व्लॉग चाहिए कि नहीं चाहिए, और भी जो दूसरी आपकी क्यूरीज हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता दें। मैं जल्द से जल्द इसके ऊपर भी नई वीडियो बना दूंगा। एज आपको बताया कि एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग आया करेगा, तो कोशिश करूँगा कल का दिन छोड़ के परसों फिर से एक नई वीडियो आए। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।